हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ पे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या अपने जीवन में एक टारगेट रखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम किस तरीका से डे बाई डे अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है कि अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में हर रोज़ आपको क्या करना है कि 1% बेटर बनना है। ठीक है, मतलब कि अगर हम कंपेयर करें कल की में आज का, तो उसमें क्या करना है कि आपको 1% बेटर करना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको हर रोज सोने से पहले आपको एक रूटीन बनाना होगा, जिस रूटीन में आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा रूटीन हो जाएगा, यहाँ पे एक हम लोग को रूटीन बनाना होगा। उस रूटीन में हमको 10 टारगेट 5 टारगेट 4 टारगेट 5 टारगेट ऐसा रखना है जिसको हम सुबह लगते ही, जैसे 5 बजे मॉर्निंग से ही हमारा वो काम में लग जाना है। ठीक है, जैसे कि हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 जो भी जितने भी आपके टारगेट हैं, उन टारगेट को हम लोग को नाइट में सोते समय, यानी जब हम सोने जा रहे हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे, उस टाइम पे आपको एक रूटीन रखना होगा, जिस रूटीन में आपको लिखना होगा यहाँ पे जो भी आपका जो टारगेट होगा अगले वाला दिन का, दूसरा का टारगेट को लिखना होगा। ठीक है, तीसरा का टारगेट को लिखना है, चौथा, मतलब जो भी आपका रूटीन में जो टारगेट है, जो मतलब कल उसको हमको पूरा करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसको पहले लिख लेना है कि हमको कल मतलब सुबह में जाना है, पढ़ने जाना है, पढ़ के आना है। तो मतलब आपको जो भी टारगेट हो, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट में हमारा आज मतलब 25 में 14 नंबर सही हो पाया, कल हमारा मतलब 20 में हमारा जो होगा 18 नंबर कैसे सही होगा, तो उस टारगेट को पर डे 1% बेटर करना है। ठीक है, तो पर डे अपना एक रूटीन बनाए, ऐसा नहीं कि आप एक ले जाइए और रूटीन बना दीजिए, यहाँ पे रूटीन बनाइए एक हाली आप साल भर का। ठीक है, और साल भर का बनाकर और दीवार में चिपका दीजिए, वो क्या होगा कि वो रूटीन आपका मतलब मान लीजिए कि एक पेज में पूरा ऐसा लिख करके स्ट्रक्चर और उसको साट देते हैं, तो वो रूटीन आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है कि आपको पर डे का एक रूटीन बनाना है, उस रूटीन को कल सुबह से लग जाना है शाम तक, और कल सुबह से शाम तक में जो भी आप कर पाए हैं उस रूटीन में आप जो भी कर पाए हैं यहाँ पे क्या कीजिए, उस रूटीन में आप जो भी कर पाए हैं उस रूटीन को क्या कीजिए कि उसमें देखिए कि हम सुबह 5 बजे मॉर्निंग 5 बजे से लेकर के और शाम में 5 बजे तक, यानी 5 AM से लेकर के 5 PM तक में हम क्या क्या कर पाए हैं। ठीक है, उसको देखना है कि हम 1% बेटर बने हैं, कि हम देखना है कि 2% बेटर बने हैं, कि देखना है कि हम यहाँ पे 3% बेटर बने हैं, कि यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 5% बेटर बने हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको कंपेयर करना है आने वाले दिनों से, अगला दिन को किस तरीका से बेटर करें। ठीक है, यानी अपने आने वाले दिनों की अपेक्षा, मतलब आज की अपेक्षा कल को कितना बेहतर आप बना पाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर ये अपने लाइफ में ये चीज़ कर लेते हैं ना, तो आपको सफलता कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आप कोई भी लाइन से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से इस तरीके से करिए, या आप कोई मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हर रोज़ आपको 1% बेटर करना है। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे हम लोग देखें, जैसे 100% हमारा काम हुआ, तो 100% में देखना है कि हम दिन भर में कितना काम कर पाए, मान लीजिए 10 भाग, ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा, तो कुछ तो होगा, तो उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, हर रोज का अपना एक रूटीन बनाना है, ऐसा नहीं कि पूरा साल भर पूरा महीना भर का रूटीन बनाइए और उसको करने में वो सफल नहीं हो पाइएगा, 100% गारंटी है। उसके लिए क्या कीजिए कि पर डे का एक सोते समय आप जब सोने जा रहे हैं उस टाइम एक रूटीन बनाइए, और उस रूटीन को पूरे अगले मतलब आने वाले जो सुबह में है उस सुबह से लग जाइए शाम तक में, और उसको देखिए कि आज हम इस पूरे दिन भर में हम आज सुबह से शाम तक में क्या कर पाए, और उसको 5 बजे शाम या 8 बजे नाइट में उसको एनालिसिस कीजिए कि हम पूरे दिन में जो है हम क्या कर पाएँ। अगर आप अच्छा किए होंगे तो अंदर से पूरा महसूस होगा कि हाँ चलिए कुछ हम किए हैं आज के लिए। ठीक है, तो उस तरीका से आपको वर्क करना है, उस तरीका से काम करना है। आप पढ़ाई के क्षेत्र से हैं तो इसमें पूरे जी जलना
लगाइए और सफल होइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो A1 डिफेंस कोचिंग जो है और A1 डिफेंस 12 है, दो वो चैनल है और उन दोनों चैनल पे हम वीडियो अपलोड किए हैं। लगभग हम लोग 350 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर मतलब आप चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो उस सभी वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। और अगर चाहते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करने का, तो हम लोग का A1 डिफेंस कोचिंग और जो है इसका ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जिसका फर्स्ट ब्रांच जो है आपको कचहरी स्टेशन और मातेश्वरी निवास भवन में, और सेकेंड ब्रांच जो है आपका जो आर्या द्रोणा क्लासेज में, जो राजेंद्र सरोवर पोखरा के पास है। ठीक है, तो दो ब्रांच हम लोग का चल रहा है। ऑफलाइन क्लास तैयारी करना है तो बेटर रहेगा कि आप क्लास ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए।